नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला एमडीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मत्स्य पालक किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी में अगर देरी होती है तो वह सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में देगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के मछली पालकों के लिए सिरसा में ही मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। इसे यहाँ के झींगा मछली पालकों को सीधे लाभ मिलेगा। इसे यहाँ पहले यहाँ के मछली पालक रोहतक जाकर लैब टेस्टिंग की सुविधा लेने कराते थे और मुख्यमंत्री सोमवार को सिरसा जिले के चोरमार खेड़ा गांव में आयोजित झींगा किसानों की कार्यशाला में बोल रहे थे। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मछली की खरीद व बिक्री के लिए झज्जर या गुरुग्राम में से किसी एक जिले में थोक मछली मार्केट स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आर्थिक तरक्की में लाभ मिलेगा। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मछली पालन किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवा रही है और इसी प्रकार मछली पालन में बीमा करने के लिए भी सरकार बैंक व बीमा कंपनियों से बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मछली पालन में बिजली खपत एक बड़ा विषय है। फिलहाल सरकार जिन किसानों की खपत 20 किलोवाट है उन्हें 4.75 प्रति यूनिट दर पर बिजली उपलब्ध करवा रही है। मछली पालक अपने प्लॉट पर सोलर प्लॉट भी लगा सकते हैं और इसके लिए उन्हें प्रति हॉर्स पावर 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है जो अधिकतम 2,00,000 रुपए तक हो सकती है। वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भिवानी जिले के गरवा गांव में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क बनाया जाएगा और यह एक्वा पार्क 25 एकड़ में होगा। इसमें मछली पालन से जुड़े हुए नए नए शोध, मछली पालन की नई किस्म, बीज पर शोध किया जाएगा। इसे मछली पालकों को सीधे लाभ मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिलने वाला लाभ अगले 3 वर्षों तक मिलेगा। झींगा बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है और इनसे विदेशी मुद्रा देश में आती है जो भारत की आर्थिक तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देगा। भारत इसके लिए मछली पालन से जुड़ी नई नई तकनीक पर कार्य कर रहा है। वहीं इस मौके पर सीएम ने झींगा उत्पादन में आगे बढ़ने पर सिरसा जिले के किसानों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हरियाणा में निरंतर सेम व खारे पानी वाली जमीन में झींगा उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 25,00,000 मत्स्य बीज उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये जो मछली पालन प्रधानमंत्री जी की योजना, इसका जो देख करके मन को एक प्रसन्नता हुई, एक संतोष हुआ कि एक साधारण किसान अपनी फसलों में से बहुत अधिक कमाई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे उद्योग, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो खुम्बी का काम हो, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, इस प्रकार के जितने भी उद्योग हैं, जितना कृषि का ये अपने प्रकार के ये प्रकल्प हैं, इसमें मुझे लग रहा सबसे बढ़िया ये मत्स्य पालन का उद्योग मुझे लगा है, सबसे उत्तम लगा है। आज के इस कार्यक्रम में आकर के बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है और हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं ये सब आगे निरंतर बढ़े, इसके लिए हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी खूब नई नई चीज़ें, नए नए प्रावधान लेकर के आते हैं, तो मैं इनको भी बधाई देता हूँ, आप सबको भी बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा जो कृषि का काम है ये अभी बहुत कुछ दूसरों पर निर्भर करता है और एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको बहुत कुछ करना होगा, तो हम अगर कृषि के काम को आत्मनिर्भर बना लेंगे और अच्छी आय का बना लेंगे तो निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनने में कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, कृषि अगर आत्मनिर्भर है तो भारत आत्मनिर्भर है। हमारे यहाँ समुद्र जैसा प्राकृतिक जल स्रोत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे गांव के तालाब हो, चाहे खेतों में तालाब हो, प्राकृतिक तालाब हो या कृत्रिम तालाब हो, या फिर पानी जो शोरे वाला पानी है, ये जो खारा पानी है,
इसका उपयोग करके जो मछली का ये पराक्रम शुरू हुआ है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि मछलियां विशेष प्रकार के जल में ही आगे उनका उत्पादन करना संभव है। इसके लिए एक बात मंत्री जी ने रखी कि एक लैब होनी चाहिए खारे पानी का, जो भी पानी है उसका टेस्ट करने के लिए, या अन्य जो भी बीमारी है अथवा फीड की टेस्टिंग है, इस टेस्टिंग के लिए एक लैब होनी चाहिए। अभी शायद यहाँ के किसानों को रोहतक के पास एक गांव है वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन मैंने वादा किया है कि इस प्रकार की एक लैब मछली के उत्पादन के नाते इन चीज़ों का जो भी टेस्टिंग का फैसिलिटी वो सिरसा में एक शुरू करेंगे और बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। जहाँ तक बीज का उत्पादन है हमारे मत्स्य का, इसके लिए भी हमारे 15 केंद्र और वो इस समय हरियाणा में चल रहे हैं, जो झींगा के अलावा जो बाकी अन्य प्रकार की जो स्पीशीज की मछलियां हैं उनका उत्पादन होता है। लगभग 1928 लाख मत्स्य बीज उत्पादन ये भी हो रहा है। अगले वर्ष में इसका जो टारगेट हमने रखा है वो 25 लाख मत्स्य बीज उत्पादन का ये हमने रखा है। इसलिए कोई कमी आपको इन चीज़ों में हरियाणा सरकार की ओर से नहीं आएगी, और मैं आह्वान करता हूँ हरियाणा के किसानों को कि न केवल सिरसा जिला ने लीड ली है, बहुत अच्छी बात है, और यहाँ और आगे बढ़े, लेकिन हरियाणा के सभी जिले, अभी 15 जिलों में और मत्स्य विभाग ने अपनी योजनाएं बनाई हैं जहां इस प्रकार के सारे प्रबंध किए जा सकते हैं जो मत्स्य पालन के लिए वो आगे आएंगे। इसके लिए रेस्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम 54 जो है वो हमने स्थापित किए हैं, और 179 बायोफ्लोक यूनिट्स ये भी हमने स्थापित की है। एक एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एक इंटीग्रेटेड पार्क, ये हम भिवानी में गरवा गांव के अंदर और इसको स्थापित कर रहे हैं। 30 करोड़ रुपया उसकी लागत आएगी, ताकि वहां पर इस प्रकार के जो एक्सेलेंस सेंटर हैं उसका उपयोग नई नई जानकारियां, नए नए बीज, नई नई किस्म और जो आने वाली कठिनाइयां हैं, कुछ बीमारियां हैं, उनके ऊपर शोध किया जा सके, और वहां पर नए फार्म हाउस का एक प्रकार से इसमें हम सब मछली पालकों को और उसका उपयोग हो सके। इसी प्रकार हमने एक आखिर मछली उत्पादन तो हुआ, लेकिन उसकी मार्केटिंग ये कैसे बढ़िया से हो, तो हमने उसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट, ये झज्जर जिला अथवा गुड़गांव जिला किसी एक जगह उसका यानी मार्केटिंग की व्यवस्था हम करेंगे, ताकि जितना भी मछली उत्पादन है वो एक जगह पर उसकी बिक्री के लिए लोग आएँ, और वहाँ खरीदार भी उसमें आते हैं तो आदान प्रदान आसान होता है, और इसलिए फार्मर को भी उसमें लाभ होता है, खरीदार को भी उसमें लाभ होता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसे मैंने बताया है, इसको अगले 3 साल में इसके जितने भी लाभ हैं वो लगातार बढ़ेंगे मिलेंगे, और एक जिसको ब्लू रेवोल्यूशन प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये भारत देश की आर्थिक जो हमारा प्रोग्राम है, देश को कैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये क्लब है बना हुआ, कुछ ही देश है उसमें, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश भारत जल्दी बने, ये प्रधानमंत्री जी का एक टारगेट है, लक्ष्य है। चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो सेवाएं हो, सब में हम अपने आर्थिक प्रगति को कैसे सुनिश्चित करें, ये प्रधानमंत्री जी इसमें लगे हैं। हम इन सब नवीनतम जितनी भी तकनीक है, इसमें मत्स्य फीड प्लांट है, चाहे कोल्ड स्टोरेज है, इसके लिए भी भारत सरकार सहायता देती है, चाहे रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स है, फिशरीज का जो फीड मिल है, क्योंकि फीड तैयार करने की भी मिलें या लगाई जाए, ऐसे सब काम भारत सरकार की और इस योजना से चल रहा है। जहाँ तक बिजली उत्पादन का विषय है, क्योंकि बड़ी मात्रा में बिजली भी इसमें लगती है, एक तो हमने इसके अंदर एक घोषणा की है, उसका लाभ बहुत लोग ले रहे हैं, कि जिनका 20 किलोवाट तक का खपत है, ऐसे 20 किलोवाट तक की खपत के किसानों को हम इसमें सस्ती बिजली दे रहे हैं 4.75 रुपये, क्योंकि अभी बाकी बिजली तो महंगी 8 रुपये से ऊपर मिलती है, लेकिन 20 किलोवाट से नीचे है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ सोलर का एक यानी एक प्रकार से हमको सहायता मिल जाए, तो अपने फार्म हाउस पर ही जमीन होती है, वहाँ सोलर का प्लांट यूनिट लगा सकते हैं। इसमें हमने 20,000 रुपया प्रति हॉर्स पावर के दर से अधिकतम 2 लाख रुपये सोलर का प्लांट लगाने के लिए भी हरियाणा सरकार ने और एक सहायता देने का निर्णय लिया है, जिसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।